तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मुझे बात करने का मौका देने के लिए। और मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है, अभी IIT ये इंदौर हम लोग को से। बोलना चाहिए टाइम निकालने के लिए। अरे नहीं, मतलब मेरे तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि मुझे भी एक मौका मिला है स्टूडेंट से सीधा सीधा बात करने का। और मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है, और मैं प्रणव, और शायद दया भी वहीं पढ़ना है, प्रणव डॉक्टर दया सागर गुप्ता जी। हाँ हाँ दया हाँ 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 तो मैं प्रणव और दया का बैचमेट हूँ एमटेक में, और फिर मैंने IIT इंदौर ज्वाइन किया, और पिछली बार शायद आपने राहुल से मिला था, तो वो भी हमारे ही बैच के हैं। और IIT इंदौर के बाद मैं और राहुल एक ही कॉलेज में, हम लोग फैकल्टी थे विद्या विहार में, और अभी मैं IIT इंदौर में हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है सर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड करके, एक बोर्ड एग्जिस्ट करता है इंडिया में, उसका एक प्रोग्राम है OVDF, ओवरसीज डॉक्टरल विजिटिंग फेलोशिप। तो वहाँ पर उस OVDF प्रोग्राम के थ्रू मैं यहाँ पर कनाडा में आया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में, और अभी मैं कनाडा में ही हूँ, अल्बर्टा एडमिंटन में। तो आप लोग के लिए तो शाम हो रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा अर्ली मॉर्निंग है, अभी 7 AM हो रहा है यहाँ पर सुबह का। तो यही है। और जहाँ तक बात है हैकिंग वगैरह के बारे में, तो मेरा थोड़ा बहुत शौक है इसमें, कुछ कुछ देखते रहने का, फिर कुछ कुछ प्रैक्टिस करते रहने का। और फिलहाल जो मेरा रिसर्च टॉपिक है, वो है क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी पर, मतलब जैसे कि XML हो गया, XML जो डेटा ट्रांसफर होता है क्लाउड्स में, उसके इनक्रिप्शन वगैरह पर, वेब सर्विसेज का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कॉम्पोजिशन सिक्योरली हो। तो शायद वेब सर्विसेज का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, वेब सर्विसेज कॉम्पोजिशन वगैरह पर मेरा फिलहाल काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स मैं सॉल्व कर पाऊंगा। और जो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस था, कुछ क्वेश्चंस मुझे मिला है, और उन क्वेश्चंस के हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप लोग को ये जानना है कि शुरू कैसे करें, अगर हैकिंग, जैसे कि वर्ड आपने हैकिंग सुना है, तो हैकिंग शुरू कैसे कैसे पढ़ाई शुरू करें, और कहाँ पर जाके खत्म होगा। जैसे कि आप जानते हो कि बीटेक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाके खत्म होता है, प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाके खत्म होता है, हैकिंग भी कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म होगा, शायद आप जानना चाह रहे हो। उसके बाद हैकिंग जब सीख गए, शुरू से खत्म कर लिए, तो स्कोप क्या है, और फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हैकिंग वगैरह का। और कुछ लोग शायद ये सोशल इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में भी पूछ रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग से कैसे आप कोई, मतलब किसी का आईडी वगैरह कैसे हैक किया जा सकता है फेसबुक वगैरह का, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं भी जब शुरू किया था तो बहुत सारा कंफ्यूजन था मेरे दिमाग में भी हैकिंग को लेकर के। और सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो गलतियां की वो भी मैं बताऊंगा, फिर मैंने जो सीखा वो भी आपको बताऊंगा। सब कुछ तो नहीं सीख पाया, लेकिन हाँ, बहुत कुछ सीखा था, और सब कुछ कैसे सीखा जाता है ये मुझे पता है। तो ये सारा कुछ मैं आपको आपसे शेयर करूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और आपको एक पूरी तरह से एक गाइडलाइन मैं आपको जरूर देने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला बात है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर प्री रिक्विजिट क्या है आपके हैकिंग का। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि कई लोग हैं जो हैकिंग के नाम पर करते क्या है कि जाएंगे, और कुछ लोग आप में से भी होंगे जो लोग कई सारे टूल्स वगैरह खोजते रहते हैं कि हैकिंग करने का टूल क्या है, हैकिंग अगर करें तो फिर किस तरह से दूसरे के सिस्टम को हैक करना है तो कौन सा टूल यूज करें, इंटरनेट का नेटवर्क बंद करना है तो कौन सा टूल यूज करें, या किस टूल का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको हैकिंग सीखना है तो आप कोई टूल पर मत जाइए, हैकिंग बस एक कोर्स की तरह है, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं ना, उस कोर्स की तरह है। मैं अल्टीमेटली मैं आपको कहूंगा कि अगर बॉलीवुड मूवी का, सॉरी, वन गाय इज वेटिंग इन द लॉबी, ओके, अगर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको किसी मूवी का अगर कोई इमेज आपके दिमाग में है, जैसे कि अवेनेस्टे आपने देखा होगा, एक मूवी आपने देखा होगा अवेनेस्टे, तो उसमें एक इमेज आपके दिमाग में है, वो कूल डूड सा बंदा आता है, और वो बंदा, हाँ, वो बंदा एकदम कुछ भी हैक कर सकता है अवेनेस्टे का। या फिर एक मूवी था हैप्पी न्यू ईयर, उसमें एक बड़ा ही गरीब से बच्चे को दिखाया गया था कि
उसको ज्यादा वो सोशल सोशली थोड़ा आउटडेटेड पर्सन, इस तरह का एक हैकर का इमेज आपके दिमाग में डाला गया था। तो मैं कहूंगा कि भाई आप वो दोनों ही इमेजेस से बचो। ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब अगर आपके दिमाग में बॉलीवुड का इमेज है तो उसको हटा दो। नॉर्मल लर्निंग है, लर्निंग है, पूरी तरह से लर्निंग है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर लर्निंग है, और ऐसा नहीं है कि आप सीख लोगे तो सब कुछ हैक करने लगोगे एकदम फटाफट, आप सुपरमैन बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। आप वल्नरेबिलिटी, आप जो होता है ना वल्नरेबिलिटी कहते हैं इसको, इसी में कमी फाइंड करके और उस कमी को आप एक्सप्लॉइट करोगे। हैकर का ये काम है, हैकर का काम ये नहीं है कि सबको एक्सप्लॉइट करते फिरना। हैकर का काम है वल्नरेबिलिटी फाइंड करना और उस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए इसको खोजना, यही काम है हैकर का। अब अभी मैं आपको कह दूं कि हम इस तरह से विंडोज हैक होता है, इस तरह से समथिंग लाइनक्स हैक हो जाता है या फिर कुछ भी, तो वो कुछ आपका उससे कुछ आपका होने वाला नहीं है कि आप विंडोज हैक करने का तरीका सीख के आप विंडोज हैक कर लोगे। तो हैकिंग का काम क्या है, मैं फिर से दोहरा दूं, वल्नरेबिलिटी फाइंड करना और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट करने की कोशिश करना। कि अगर कहीं कुछ वल्नरेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कमियां, दूसरों की कमियां निकालना और उस कमियों के थ्रू उसका फायदा उठाना। बहुत ही गलत साउंड कर रहा हूं मैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हैकिंग का मतलब यही है। और असल में मैं अगर एक काफी लोग आते जा रहे हैं तो असल में अगर मैं एक डिफिनेशन दूं कि हैकिंग है क्या, तो मैं कहूंगा कि हैकिंग इज एन अनयूजुअल वे ऑफ यूजिंग द थिंग। मतलब किसी चीज को यूज करने का ऐसा तरीका कि उसको बनाने वाले ने ही नहीं सोचा होगा कि मेरे बनाए हुए चीजों को इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये इसको हैकिंग कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज को आप ऐसे यूज कर रहे हो तो उसको हैक्स कहते हैं। बहुत सारे लाइफ हैक्स करके आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। तो आप किसी भी, इतने स्मार्ट हो गए हो किसी चीज में कि आप उसे अनयूजुअल तरीके से इस्तेमाल कर। अब सोचो किसी चीज को अगर आपको अनयूजुअल तरीके से इस्तेमाल करना है तो कम से कम उसको यूजुअल तरीके से तो इस्तेमाल करने आना चाहिए, है ना। यूजुअल तरीके से इस्तेमाल करने के बाद वो चीज बना कैसे है इसका आपका डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी जाकर आप उसे अनयूजुअल तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। यूजुअल तरीके से इस्तेमाल करने जब आपको आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो चीज बना कैसे है, तो उसका अनयूजुअल तरीके से आप इस्तेमाल कैसे कर पाओगे। तो ये था ओवरऑल कि जो आपके दिमाग में इमेज है उस इमेज को एक बार हटा दो। नॉर्मल स्टडी है, नॉर्मल लर्निंग है, आपको पूरी तरह से पढ़ाई में, पढ़ाई की तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई की तरह है, और आपको पढ़ाई करते रहना होगा, अपडेटेड रहना होगा और सीखते रहना होगा। चलिए अब आते हैं कि प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्री रिक्विजिट्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, मैं बोलूंगा जैसे हैकर नहीं बोलूंगा, हैकर क्या है ना कि बड़ा ही फैसिनेटिंग टर्म है। और अगर आप किसी से कहते हो कि हैकर हैकर तो वो देख के लगता है बड़ा इमेज अच्छा सा बनता है, लेकिन आप कहीं जाओगे तो उसको वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट कहा जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टर कहा जाता है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कहा जाता है। रियल जॉब में इसका यही सारे नाम है, मतलब ऐसा कोई हैकर नाम नहीं होता है, और हैकर बाकी दुनिया को एक तरह से सुनाने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्री रिक्विजिट्स में आप डिपेंड करते हैं कि किस तरह के हैकर बनना चाहते हो और किस लेवल का बनना चाहते हो। देखिए आप हर चीज के हैकर नहीं बन सकते। आपको अगर लग रहा है कि आप विंडोज भी हैक करोगे, आप नेटवर्क भी हैक करोगे, आप वेब एप्लीकेशन भी हैक करोगे और आप क्लाउड भी हैक करोगे, आप सब कुछ सीखोगे, तो अब समझो इन सब चीजों को हैक करने के लिए मैंने कहा ना कि अनयूजुअल वे ऑफ यूजिंग द थिंग, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, इन सारे चीजों को डेप्थ में समझना होगा। तो सबसे पहले तो इन सारे चीजों को आपको डेप्थ में समझना होगा। क्या इतना आपके पास टाइम या फिर पेशेंस है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से समझे, प्रैक्टिकली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, और एट सेम टाइम आप नेटवर्किंग, इंटरनेट को भी पूरी तरीके से समझें, आप वेब एप्लीकेशन को भी पूरी तरीके से समझ जाएं, फिर आप हार्डवेयर को भी पूरी तरीके से समझ जाएं, फिर आप क्लाउड को भी 100% समझ जाएं, और उसके बाद सब पर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की कोशिश करें वगैरह वगैरह। तो ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आप इसमें से ज्यादा कर पाए, मैं विश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा
चीज, अगर आप चाहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अपना करियर बनाना, तो मैं विश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कर पाए। लेकिन आप 2 साल के भीतर सोचेंगे कि ये सब कुछ मैं कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका मन है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटी फाइंड करें, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ होना चाहिए। जैसे अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके कॉलेज का जो फायरवॉल है ना, वो अभी मैं मैप करके आपको बताऊंगा। तो अब जब मैं उस फायरवॉल को मैप करूंगा, तो मुझे वहां पर एक चीज मुझे आपको दिखाऊंगा कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे पता चलेगा कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कैसा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अपने घर में अगर इस तरह का नेटवर्क मैपिंग करूँ, तो मुझे दिखाई देगा कि किसके कौन कौन यहाँ पर बैठा है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कौन कौन सा कंटेंट चल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये तो मैं जान जाऊंगा। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फिंगरप्रिंट मिलना। अब ये फिंगरप्रिंट जो मिलता है, तो उससे कैसे अंदाजा लगाएं कि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, इससे कैसे अंदाजा लगाएं कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में को अगर हैक करना हो तो कैसे मुझे वल्नरेबिलिटी मिले, फिर मैं कैसे वहां पर पेलोड भेजूं और उस पेलोड से कैसे उसके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ये सारी चीजें पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं। और ये सब करने के लिए आपको जो है ना इन डेप्थ, आपको मैं बोलूंगा सबसे पहले कि इन डेप्थ सी प्रोग्रामिंग आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सी प्रोग्रामिंग कहाँ से आ गया, तो हाँ इन डेप्थ सी प्रोग्रामिंग आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप पॉइंटर्स आप लिंक लिस्ट वगैरह भी बना रहे हो, तो वो किस तरह से सारा सारा जो है सो पॉइंटर्स के इस्तेमाल से कैसे आपस में वो सारे डेटा कनेक्टेड है। अगर लिंक लिस्ट है तो कैसे वो आपस में पॉइंटर के इस्तेमाल से कनेक्टेड है। अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि आपको पॉइंटर की समझ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर का बहुत बड़ा खेल होता है। पॉइंटर आपको सीधा मेमोरी लोकेशन देता है, उस मेमोरी लोकेशन में आप बफर ओवरफ्लो वगैरह एक्सप्लॉइट करते हो। तो इन इन चीजों का खेल आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर का गेम कैसे होता है। अगर कोई थर्ड ईयर आप फोर्थ ईयर के होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को सही ढंग से समझते होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस में क्या अंतर होता है। कोई भी जो आपका प्रोसेस होता है वो एक्चुअली वर्चुअल एड्रेस स्पेस उसका होता है, और जब भी आपका पॉइंटर किसी एड्रेस को प्रिंट करता है, तो असल में वो किसी रैम का एड्रेस नहीं होता है, वो एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, जिसको कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लास्ट में फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। तो एक्चुअली पॉइंटर जो एड्रेस रिटर्न करता है, वो किसी रैम का एड्रेस नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से डेप्थ में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने किन किन सब्जेक्ट्स का नाम ले लिया जो आपने ऑलरेडी पढ़ पढ़ रखा है। सबसे पहले तो मैंने नाम ले लिया है यहाँ पर सी और डेटा स्ट्रक्चर का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो हैकिंग जानने के लिए। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से पता होना चाहिए। सी असल में कैसे चल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट एल्गोरिथम वगैरह कैसे चल रहे हैं, ये आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरे बात पर आए तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। तो ये चार सब्जेक्ट्स जब आपका आपका आपके बेसिक में है, ये चार सब्जेक्ट्स अगर आपको ध्यान में होगा, आप बीटेक में पढ़ोगे या पढ़े होगे, तो ये चार सब्जेक्ट्स का जब आपको जबरदस्त नॉलेज हो जाए, तब आप इनसे रिलेटेड किसी हैकिंग कोर्स की तरफ जाओ। मैं कुछ हैकिंग कोर्स भी आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन ये चार सब्जेक्ट्स के नॉलेज लेने के बाद ही आप किसी सेल कोडिंग या फिर बफर ओवरफ्लो या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होते हैं फिंगरप्रिंटिंग वगैरह को, इन सारी चीजों को आप नॉलेज लेने के बाद ही समझ सकते हो। तो इन चार सब्जेक्ट्स को क्लियर होने के बाद ही समझ सकते हो। ठीक है, आप जाओगे, क्या होगा कि जाओगे और वो लोग आपको ज्वाइन तो करवा ही देंगे, उन्हें पैसे चाहिए, जब पैसे दोगे वो आपको ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत पढ़ाएंगे, वो अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अगर इन चारों सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं है ना, तो उनका पढ़ाया हुआ चीज आपको किसी काम का नहीं होगा और आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। तो ये एक पार्ट हुआ। ठीक है, दूसरे पार्ट पर आते हैं, जैसे कि नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो, और मैं फिर से कहता हूँ कि नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलग चीज है, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलग चीज है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तभी मैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले शायद पढ़े होंगे, नेटवर्किंग करके एक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा होगा। तो
तो नेटवर्किंग में आपने बहुत सारे लेयर्स पढ़े होंगे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर, और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो सब बाद की बात है, लेकिन ये तीन चार लेयर आपने पढ़ा होगा। इन चारों लेयर्स पर किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, आपने पढ़ा होगा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो जो होता है, तो वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको देखना होगा कि किस तरह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पर हो। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो, नेटवर्क पेन टेस्टिंग में थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो। इसमें अच्छा ठीक है, तो फिर नेटवर्क पेन टेस्टिंग पर आगे बढ़। तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग जाने के लिए तो सबसे पहले हेलो आपको सर, हाँ हाँ बताइए करण। था कि आप पुलिस जानते हैं तो सी लैंग्वेज जानना ही जरूरी है, कोई और कोई लैंग्वेज से काम चल सकता है? देखो यहाँ पर एक्चुअली आपको जानना होगा बफर ओवरफ्लो वगैरह के लिए असेंबली लैंग्वेज, समझ रहे हो ना। तो जो मैंने अभी बात किया ना कि मतलब कि अभी जो मैंने बात किया ऑपरेटिंग सिस्टम के फिंगरप्रिंट को जानना, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में बफर ओवरफ्लो के एक्सप्लॉइट को जानना, ये सारी चीजों को मैंने बात किया। तो सी लैंग्वेज में इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि सी लैंग्वेज आपको हार्डवेयर पर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल देता है, और बाकी सारे लैंग्वेजेज जो है वो हार्डवेयर पर खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं, चाहे पाइथन हो चाहे वो आपका जावा हो। अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली जो मैं किया हूँ, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि मैंने क्यों सी लैंग्वेज ही कहा है आपको। सी लैंग्वेज सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर पर कंट्रोल देता है, ये मैंने कह दिया। दूसरी बात ये है कि आपको इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को भी जानना होगा, जो कि आजकल के ज़माने में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट प्रोसेसर चलता है, तो आपको 64 बिट असेंबली लैंग्वेज एंड सेल कोडिंग को समझना पड़ेगा। तब आप जब असेंबली लैंग्वेज को करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक एक असेंबली लैंग्वेज को करते समय आपको एक एक रजिस्टर अपने सीपीयू का, मेमोरी का एक एक पार्ट आप कंट्रोल में एक्सेस करोगे। सी में भी आप उतना एक्सेस नहीं करते, असेंबली लैंग्वेज में फुल कंट्रोल हार्डवेयर पर आपका होता है। अब यहाँ पर पाइथन का क्या यूज है, पाइथन का बहुत सारा यूज है, मैं बता रहा हूँ। पाइथन का भी यूज होता है और जावा का भी यूज होता है, लेकिन अगर इस तरह की सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज में आपको जाना है तो पाइथन में भी आप वही सीपीयू के रजिस्टर्स और आप मेमोरी के एड्रेस के टर्म में बात करोगे। पाइथन में भी एक मॉड्यूल आता है, उस मॉड्यूल के थ्रू आप ये सारे तरह की प्रोग्रामिंग करते हो, लेकिन सीपीयू के रजिस्टर्स और मेमोरी का एड्रेस, इन पर आपका कितना कंट्रोल है, इन्हीं एक्सपीरियंस को आप पाइथन में भी अप्लाई करते हो, पाइथन को उस मॉड्यूल में भी अप्लाई करते हो। तो ये इतना जानना बहुत जरूरी है, समझ इतने का होना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामिंग में ये चीजें कैसे चलती हैं, तभी आप इस समझ को पाइथन के उस मॉड्यूल में यूज कर पाओगे। बात समझ आ रहा है ना, तो इन चीजों को समझ जाओ, इसीलिए मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो और ऐसा कोई मतलब अगर आप इन चीजों को अगर आप सीधे असेंबली लैंग्वेज से समझ सकते हो तो आप असेंबली लैंग्वेज से समझ जाओ, लेकिन असेंबली लैंग्वेज थोड़ा हार्ड पड़ेगा स्टार्टिंग में, इसलिए मैं सी से स्टार्ट करके और फिर असेंबली लैंग्वेज की तरफ मूव करना करने के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है। और कोई और कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए ठीक है, तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग पर आते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना, देखो मैं एक सिंपल सा, अभी तो मैं बीजीपी का हैकिंग बताने लगा था, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया था। एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा हैकिंग मैंने भी एक खूब किया है, और विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब मैं था तो वहाँ पर मैं अक्सर हाँ ये सब करते रहता था, और आईपी वगैरह आईपी कलेक्ट करता था अपने पास। तो इसको बोलते हैं एआरपी पॉइजनिंग, आपने आप में से किसी ने अगर ट्राई किया होगा कभी हैकिंग तो शायद ट्राई किया भी होगा, एआरपी पॉइजनिंग। तो एक एक सेकंड अच्छा एक सेकंड मैं जरा एक चीज शेयर करता हूँ पूरा स्क्रीन। क्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो यस सर। ओके ओके थैंक यू। तो थैंक यू चलिए, तो यहाँ पर
अगर मैं यहाँ पे लिखूं एआरपी पॉइजनिंग, या फिर एक एक चीज इटर है, इटर कैप का भी शायद आपने नाम सुना होगा। अगर आप जानते होगे इटर कैप के बारे में, तो इटर कैप का भी, एआरपी पॉइजनिंग के बारे में जानते होगे तो इटर कैप का भी नाम सुना होगा। ये इटर कैप एआरपी पॉइजनिंग करता है, ठीक है। अब देखो, एआरपी पॉइजनिंग एक तरीका है कि आप इटर कैप ऑन कर दो, दुनिया भर का डेटा, मतलब दुनिया भर का तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जिस लोकल नेटवर्क में आप बैठे हो उस लोकल नेटवर्क का डेटा आपके कंप्यूटर के थ्रू होकर जा रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि दुनिया भर का डेटा जो है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू होकर के जा रहा है, और आपने बस क्लिक कर दिया है, आपको पता ही नहीं है कि इंटरनली हुआ क्या, और सारा डेटा आपके कंप्यूटर के थ्रू होकर जा रहा है, और आप डेटा रीड कर रहे हो, चारों तरफ आपका नाम हो गया, यहाँ भाई ये बंदा तो सारे लोकल नेट का डेटा देख सकता है। बड़ा ईजी है, बड़ा सिंपल है, और आपको लग रहा होगा, बाकी दुनिया को लग रहा होगा कि ये बंदा बड़ा ही स्मार्ट है, लेकिन क्या आपको एक्चुअली पता है कि इटरगेप क्या करता है ना? एआरपी प्रोटोकॉल क्या है? एआरपी पॉइजनिंग है क्या? क्या एआरपी का हम कर क्या सकते हैं? क्यों एआरपी का यूज करके इस तरह का हैकिंग हो पा रहा है ना? इस तरह से सारा डेटा मेरे कंप्यूटर के थ्रू होके जा रहा है, क्यों ऐसा हो पा रहा है? तो इन सारे चीजों का अगर आपको समझ नहीं है, तो आप बस इटरगेप यूज ही करते रह जाओगे, और आपको अल्टीमेटली कभी पता ही नहीं चलेगा कि इटरकैप काम कैसे करता था। और एक बात मैं बता दूं कि इटरकैप, अगर आपको समझ नहीं है ना कि इटरकैप काम कैसे करता है, तो हर जगह आप इटरकैप को यूज नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि इटरकैप काम कैसे करता है, नहीं तो मुश्किल होगा फिर। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एआरपी पॉइजनिंग करना है, तो सबसे पहले एआरपी को सीखो कि एआरपी करता क्या है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होंगे, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि एआरपी करता क्या है, लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि एआरपी से तुम झूठ बोल सकते हो, या एआरपी के इस्तेमाल से किसी को, उसको बोल दो कि भाई मैं ही गेटवे हूँ, किसी भी पर्सन को जाके बोल दो कि मैं ही गेटवे हूँ, तो अंदर से जो भी डेटा भेजना होगा ना हमको भेजना है, और वो पर्सन आप ही को डेटा भेजने लगेगा गेटवे को भेजने के बदले। और गेटवे से बोल दो कि भाई मैं ही वो पर्सन हूँ ना, तो उसको जो डेटा भेजना होगा वो मुझे भेजना, तो क्या होगा ना कि उस पर्सन और गेटवे के बीच में आप आ जाओगे, और जितना डेटा होगा आपसे होके निकलने लगेगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि एआरपी काम कैसे करता है, क्योंकि हर जगह आप बस इटरकैप को चालू कर दोगे और एक काम करने लगेगा, पॉसिबल नहीं है। फिर आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो नेटवर्क पेन टेस्टिंग में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, एक मॉड्यूल होता है पाइथन का, यहाँ पर पाइथन बहुत इस्तेमाल होता है। अभी कोई कह रहा है मैं सी क्यों कह रहा हूँ, तो मैं सी सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि आप कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल में सीख पाओ, और कुछ नहीं। लेकिन अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग आज की डेट में देखें ना, तो सबसे ज्यादा यूज पाइथन का होता है। तो पाइथन में एक मॉड्यूल आता है, वो मॉड्यूल को का नाम है एस्केपी, SCAPY, एस्केपी। चले, आरपी एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है क्या? सुन, सॉरी सुनाई नहीं दिया सर। ये आरपी कोई वेबसाइट है या एप्लीकेशन है? एड्रेस ये प्रोटोकॉल है। अच्छा, आप शायद ओ हो, यहाँ पर लगता है कि सारे बहुत सारे ब्रांचेज, बहुत सारे ईयर के लोग बैठे हैं।
तो मैं एक बार बता दूं एआरपी है क्या। एआरपी समझो कि एक बातचीत करने का तरीका है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट सही ढंग से चल पाता है, ठीक है ना। आप एक लैन में कनेक्ट होते हो और आपका इंटरनेट सही ढंग से चल पाता है, उसका उसका एक तरीका है जो कि हर एक कंप्यूटर में मौजूद होता है, उसी को एआरपी कहते हैं। एआरपी से एक लोकल नेटवर्क में बैठे लोग एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि, और जान पाते हैं कि हमको अगर इससे बात करना है तो मुझे वो बंदा को कोई डेटा कैसे भेजना है, तो मुझे गेटवे से बात करना है तो उस गेटवे को डेटा कैसे भेजना है, वो गेटवे है कौन, ये पहचान जो आपके कंप्यूटर को कराता है ना, उसी को एआरपी कहते हैं। और हर एक कंप्यूटर में ये एआरपी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था। अब सोचिए आपको जैसे अभी इनको कन्फ्यूजन हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे से पूछा, तो इस तरह का कन्फ्यूजन आपका दूर होना चाहिए कि एआरपी है क्या ना, जैसे इन्होंने पूछा ना और एआरपी क्या, तो ऐसा ही कन्फ्यूजन आपको भी होगा आगे भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अभी एआरपी को नहीं जानते, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस के हो भी, तब भी आप शायद एआरपी को बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो आपको एआरपी को बहुत अच्छे से जानना होगा। और ये जो थे शायद ये फर्स्ट ईयर पे होंगे, इंटरनेट नेटवर्किंग इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो एआरपी के टर्मिनोलॉजी से ये नहीं वाकिफ होंगे, तो इन्होंने ऐसा पूछा। तो इस तरह से आपको भी चीज़ों को क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि क्यों क्लियर रहना ज़रूरी है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसा कि बहुत तरह के लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि जब भी इंटरनेट पर आप कोई डेटा भेजते हो ना, तो वो पैकेट्स में जाता है, मतलब इसको पैकेट कहते हैं, और उस पैकेट का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपको उस फॉर्मेट में वो पैकेट बनाना होता है। जैसा कि अगर आप किसी वेबसाइट से बात कर रहे हो, तो एक HTTP पैकेट होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, फिर वो HTTP का जो पैकेट है ना, उसको दूसरे बड़े डब्बे में रखा जाता है, उसको TCP कहते हैं, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, फिर उस TCP नाम के डब्बे को एक दूसरे डब्बे में रखा जाता है, उसको IP कहते हैं, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, समझे। तो हर चीज़ का, हर एक पैकेट का एक फॉर्मेट होता है, और एक डब्बे के भीतर दूसरा डब्बा, IP के भीतर TCP, TCP के भीतर HTTP, ऐसे करके हम लोग एक बड़े IP नाम के डब्बे को आगे भेजते हैं, और उसके नीचे भी होता है कि ईथरनेट का डब्बा होता है, लेकिन छोड़ो इतना मैं बात करूंगा तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से एक डब्बे के भीतर दूसरा डब्बा, दूसरे के भीतर तीसरा, और हर एक डब्बे का अपना एक फॉर्मेट। हाँ बताइए। ये जो एआरपी आपने बताया कि एआरपी से कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, कॉन्वर्सेशन की तरह वर्क कर रही है, ये सर कहीं मैं जिस तरह मैन इन द मिडिल अटैक किया जाए, जैसे अभी एआरपी में हम लोग कॉन्वर्सेशन या नेटवर्किंग पे कर रहे हैं लोकल नेटवर्क पे, तो सर ये सेम की मैन इन द मिडिल अटैक के लिए भी होती है जो, या फिर थोड़ा सा आपका आवाज कट रहा है, लेकिन मैं आपका बात समझ चुका हूँ कि ये मैन इन द मिडिल अटैक ही है जो एआरपी पॉइजनिंग है ना, ये मैन इन द मिडिल अटैक ही है, ठीक है। अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग तरह के मैन इन द मिडिल अटैक होते हैं। तो ये जो मैन इन द मिडिल अटैक है, ये आईपी लेयर पर है। हेलो, और अलग अलग लेयर पर अलग अलग तरह के मैन इन द मिडिल अटैक होते हैं। तो एआरपी पॉइजनिंग भी मैन इन द मिडिल अटैक है, ठीक है। और उसके आगे भी और भी तरह के आते हैं, क्रिप्टोग्राफिक मैन इन द मिडिल अटैक आते हैं, बहुत तरह के मैन इन द मिडिल, मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा होंगे, अलग अलग लेयर्स पर, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में। तो देखिए, अब मैं एक चीज और कहता हूँ। हाँ, मैं कहा था, मैं एक एस्केपी नाम के पैकेज पर था। एस्केपी नाम का जो पैकेज होता है, वो ये जो नेटवर्किंग के पैकेट्स होते हैं ना, इन्हें आप सीधे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मतलब कि हार्ड लेवल पर आप इसे बना सकते हो। जैसे आप जानते हो ना कि आईपी का हेडर्स कौन कौन से हो, जो फाइनल ईयर के होंगे कंप्यूटर साइंस के, जो नेटवर्किंग पढ़ चुके होंगे एटलीस्ट, उन्हें पता होगा कि आईपी में कौन कौन से हेडर्स होते हैं, टीसीपी में कौन कौन से हेडर्स होते हैं ना, और उस मतलब आईपी नाम के डब्बे के हेडर्स कौन कौन से हैं, टीसीपी नाम के डब्बे के हेडर्स कौन कौन से हैं, एचटीटीपी नाम के डब्बे के हेडर्स कौन कौन से हैं। तो आप मैनुअली बैठ करके, आप एस्केपी का इस्तेमाल करके ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, ये पैकेट्स, और जहां मन वहां भेज सकते हो, समझ में आ रहा है। एचटीटीपी नाम के पैकेट को क्रिएट करो खुद से, उसमें जो इंसर्ट करना है करो, और किसी को भी भेज दो।
ऐसा आप कर सकते हो, तो जो मैंने एआरपी पॉज नहीं किया था, एक्चुअली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैंने इटरगैप का नाम बाद में सुना था, कि ऐसा कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी है। मैंने एसकेपी से खुद का बनाया था एआरपी पॉइजनिंग के लिए, और जब मैं मतलब खुद का ही प्रोग्रामिंग करके बनाया था, वहाँ पर मैंने पैकेट को क्राफ्ट किया, पैकेट को एआरपी पैकेट को क्राफ्ट किया और उसे सबको भेजना लगा एआरपी रिप्लाई क्राफ्ट करके, और सारे लोग मतलब बिलीव करने लगे कि हाँ मैं ही गेटवे हूँ इस तरह का। और इसी तरह से एसकेपी एक इतना स्ट्रॉन्ग टूल है, समझो कि आप पैकेट बना सकते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो ना। जब आपने पैकेट ही बना दिया तो किसी को भी फिर आप भेजोगे, फिर वो आपकी बात मानेगा, उसे मानना होगा। तो ये एक अलग टाइप का एक स्किल है पैकेट बनाना, और सामने वाले इस तरह का इतना प्रोफेशनल तरीके से मैनुअल पैकेट बनाना कि सामने वाला आपकी बात पर भरोसा कर ले, इसमें बहुत टाइम लगता है पूरी तरह से इस स्किल को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो ये नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और हर एक लेयर पर अगर आपको मतलब कि हर एक लेयर अपने आप में एक स्किल है। अगर आपको फिजिकल लेयर पर इथरनेट लेवल पर करना है तो वो एक अलग स्किल है, आईपी लेयर पर करना है, टीसीपी लेयर पर करना है, हर एक लेयर अपने आप में एक स्किल है। और इसमें होने के लिए, इसमें सबसे पहले होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं इंटरनेट पर। समझ में आ रहा है ना, आप पैकेट बना के भेजोगे, आपको ये भी तो पता है कि हाँ भाई अब आप यहाँ पर खड़े हो, और हालांकि मुझे चाइनीज नहीं आता लेकिन मैं चाइनीज में बोलने लगूँ तो समझ में किसी को कुछ आएगा? हिंदी बोल रहा हूँ तो सभी समझ रहे हैं, हाँ मुझे भोजपुरी भी आता है, अगर मैं भोजपुरी बोलूँ तो और भी सारे लोगों को अच्छा लगेगा। तो डिपेंड करता है, आपको समझ होना चाहिए जब पैकेट बना के किसी को भेज रहे हो तो वो रिएक्ट कैसे करेगा सामने से। तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग का साउंड नॉलेज बहुत ज़रूरी है, पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग काम कैसे करता है, ठीक है? तो उसके लिए आप एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अगर इंटरनेट नेटवर्किंग सीख रहा है तो एक मैं आपको पैकेज का एक सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बहुत लोगों ने सुना भी होगा आप में से, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसमें क्या होगा ना कि आप खुद से बना, मतलब कि आप राउटर ला के रखोगे, मतलब खुद से ये होगा आपका, ये सिमुलेटर होगा, सिमुलेटर में आप पूरा इंटरनेट पूरा नेटवर्क आप बना पाओगे, और उस सिमुलेटर के भीतर आपके पास राउटर होगा, आप राउटर को कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के लिए अलग अलग वायर्स का इस्तेमाल करोगे, आप पूरा एक नेटवर्क बना दोगे, और वो उस नेटवर्क में जब आपका कोई भी जो प्रोटोकॉल के थ्रू आप बात कर रहे हो तो हर एक प्रोटोकॉल में हेडर्स का वैल्यू कैसे बदल रहा है वो आपको साफ साफ उस सिमुलेटर के भीतर दिखाई देगा, और वो नेटवर्किंग एक्चुअली काम कैसे करता है ये सीखने के लिए वो बहुत ही अच्छा एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिमुलेटर जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर, आप आराम से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। तो जब आप ये सब सीख जाओगे तो फिर आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू एक बार सीखना होगा, सॉकेट प्रोग्रामिंग आप जानते होंगे, कि कैसे आप टीसीपी लेयर पर सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हो यूजिंग जावा, यूजिंग पाइथन, यूजिंग सी, कोई सा भी चलेगा। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना होगा, आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा इंटरनेट नेटवर्किंग को, ठीक है, तब आप इस लेयर पर काम कर पाओगे। थोड़ा सा ऊपर आते हैं वेब एप्लीकेशन लेयर पर। अब देखिए वेब एप्लीकेशन लेयर पर भी अपने आप में बहुत तरह की स्किल्स हैं, जैसे नेटवर्क लेयर पर बहुत तरह की स्किल्स हैं ना, वेब एप्लीकेशन लेयर पर भी बहुत तरह की स्किल्स हैं। तो वहाँ पर भी आपको जैसे कि आप वेब एप्लीकेशन लेयर पर सबसे जो इंटरेस्टिंग और सबसे जो पॉपुलर एक स्किल है उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया कि मतलब यूजर को बेवकूफ़ बनाना। अब आप फेसबुक को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, है ना, तो आप किसी यूजर को बेवकूफ़ बना सकते हो। यूजर को आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि मतलब कि एक उसमें से आता है, एक सिंपल सा एग्जांपल आता है, बहुत पुराने सारे एग्जांपल्स, एक एग्जांपल आता है उसे कहते हैं फिशिंग, ठीक है। हालांकि फिशिंग आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। फिशिंग का मतलब होता है कि मैं आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट बनके और मेरा वेबसाइट आपके सामने आ जाए, और जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करो आप ओरिजिनल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर पहुंच तो जाओगे लेकिन मेरे थ्रू पहुंचोगे। मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा और आप पहुंच जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल गया है, जो भी है। लेकिन इस तरह की हैकिंग आजकल पॉसिबल नहीं है, और उसका कारण है क्रिप्टोग्राफी।
अगर आपने क्रिप्टोग्राफी का नाम नहीं सुना होगा तो प्रणव सर और दया सर इसके एक्सपर्ट हैं, वो लोग आपको बता देंगे क्रिप्टोग्राफी असल में क्या होता है। लेकिन क्रिप्टोग्राफी की वजह से वेब एप्लीकेशन पर होने वाली मोस्ट ऑफ द हैकिंग खत्म हो गई है, और वो सब कुछ आकर के जो वो सारी हैकिंग जो है सो अब क्रिप्टोग्राफी पर ही आके कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। जिसने क्रिप्टोग्राफिक हैकिंग की वही समझो कि वेब एप्लीकेशन के हैकिंग पर सिक्योर कर पाएगा अपने आप को, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन में अब उसमें एक तो हो गया फिशिंग, दूसरा होता था पहले ही होता था इसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। उसमें क्या लोग करते थे ना कि जैसे कि मान लो कि आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन हुए तो दूसरे पेज को ओपन करने के लिए आपको दोबारा लॉग इन तो नहीं करना पड़ता है ना। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन होते हो तो वेबसाइट एक छोटा सा टेक्स्ट आपको देता है, उसको कुकी कहा जाता है। और दोबारा जब आप उसी वेबसाइट पर दोबारा दूसरे पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो साथ में वो कुकी भी भेजते हो, तो जब आप वो कुकी भेजते हो ना तो वो समझ जाता है वेबसाइट कि हाँ भाई ये बंदा ऑलरेडी लॉग इन कर चुका है, ये रहा कुकी, तो इसको तुम यूज करो, तो उसको दे दो ये, मतलब दोबारा इससे यूजर नेम पासवर्ड मत पूछो, इस कुकी को यूज करो, उसे जो भी पेज मांग रहा है उसको दे दो। तो ये कुकी का इस्तेमाल है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुकी को ही चुरा लेते हैं आप, लेकिन हाँ इस क्रिप्टोग्राफी होने के बाद ये भी बहुत ही ज्यादा ये हो। हाँ बताइए, हेलो, ओके, शायद शिवानी कुछ पूछ रही थी, ठीक है। तो कुकी के इस्तेमाल के बाद नॉइज था, नॉइज, ओके, कुकी के इस्तेमाल कई लोग क्या होते हैं ना कि आपके कुकी को चुरा लेंगे, और उसका तरीका होता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देंगे जो कि मतलब कुकी को चुरा लेंगे, आपके ब्राउजर से कुकी उठा लेगा, या फिर कुछ ऐसा जावा स्क्रिप्ट, आप उनके वेबसाइट पर जैसे ही पहुंचोगे उनका वेबसाइट कोई ऐसा जावा स्क्रिप्ट आपके कंप्यूटर में रन करवा देगा जो आपका कुकी उठा लेगा। लेकिन क्रिप्टोग्राफी होने की वजह से ना ये सारा कुछ आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, क्रिप्टोग्राफी होने की वजह से। तो मतलब पॉसिबल हो भी तो मतलब कि अब इसका स्किल काफी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया है, पहले बड़े आसानी से होता था, आजकल नहीं होता है। तो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग अपने आप में क्या है ना कि बहुत बड़ी चीज है, और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि HTTP काम कैसे करता है, स्टार्टिंग यहीं से होता है। HTTP काम करने के बाद आपको HTTP से होकर जाने के बाद सबसे जो अगली चीज आपको सीखनी होती है वो है कि HTML और XML को कैसे हम लोग मतलब उसको कैसे प्रोग्रामेटिकली हम लोग पूरे HTML फाइल और XML फाइल पर रेंडर कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि ये जो एक आपका टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होता है, आप प्रोग्रामिंग कर करके भी आप एक बॉट्स, इसको बॉट्स कहते हैं नॉर्मल टर्म में, बॉट्स कहते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी वेबसाइट पर जाता है, प्रोग्रामेटिकली उसको विजिट करता है और दिए हुए लिंक पर क्लिक करता है और खुद ही सब कुछ करते रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पाइथन के टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बड़े ही आराम से XML या HTTP के फाइल्स को रेंडर कर सकते हो। एक मैं टूल आपको बताऊंगा, ब्यूटीफुल सूप करके आता है, ब्यूटीफुल सूप। तो ये टूल जो है सो ये टूल आपको पूरी तरह से HTTP पर घूमने, पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करने के लिए HTTP को ना बहुत इजी टूल है और बहुत आसान, बहुत ही अच्छा टूल है ये इसके लिए। और तो इस तरह से आप खुद से टेक्स्ट बेस्ड सर्विंग भी कर सकते हो उस पर, और भी इस टूल का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे काम किया जा सकता है, जैसे कि बार बार यूजर नेम पासवर्ड, जहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड का बॉक्स है वहाँ पर बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालना, ठीक है, ये सारे काम भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से बार बार आप यूजर नेम पासवर्ड कहीं पर डालते जा रहे हो, लगातार किए जा रहे हो और हर एक टेस्ट अपना कर लिए तो हो सकता है कोई ना कोई पासवर्ड मैच कर जाए वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी बचकानी है और आज के डेट में ये सब नहीं होता, इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स करना, कि हर एक तरह के पासवर्ड को मैंने ट्राई कर लिया, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर पर गए और हर एक तरह के पासवर्ड को ट्राई कर करके उसे
इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग हैकिंग तो नहीं कहूँगा, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड किया जाता है, उसे कहते हैं SQL इंजेक्शन। नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। SQL इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपको जब भी आप किसी फॉर्म को देखते हो तो फॉर्म को देख करके किस तरह के SQL का वहां पर इस्तेमाल हुआ होगा डेटाबेस को यूज करने के लिए आप अंदाजा लगा लेते हो, फिर वहां पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हो। और कई बार आप क्या होता है ना कि खुद का PHP फाइल किसी के मतलब कि कोई अगर बुरी तरीके से अपना अपना वेबसाइट बनाया है तो खुद का PHP फाइल उसके वेबसाइट पर भी इंसर्ट कर देते हो कई बार इस SQL इंजेक्शन के थ्रू, और फिर अपना PHP फाइल वहां से एग्जीक्यूट करा के वहां पर कुछ भी करते हो। लेकिन ये सब काफ़ी पुरानी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। आजकल का जितना भी रिसर्च है ना वेब एप्लीकेशन का वो सब कुछ क्रिप्टोग्राफी पर आकर सिमट गया। और क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा सा मैं और इंटरेस्टिंग बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक और तरीका है इसको करने का, उसको बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में देखो आप में से कुछ लोग होंगे जो नेटवर्किंग पढ़े होंगे तो जानते होंगे आप लोग कि जब आप थ्री वे हैंडशेकिंग जब आप करते हो तो उसको आप कोई डेटा भेजते हो, डेटा भेजते हो तो वहां पर थोड़ी देर के लिए जब आप क्लाइंट हो, ठीक है ना, मेरा आवाज थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ, सॉरी, हाँ देखो जब भी आप थ्री वे हैंडशेकिंग करते हो, थ्री वे हैंडशेकिंग एक टर्म है जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा इग्नोर करें इस टर्म को, तो आप सबसे पहले कनेक्ट होते हो किसी भी सर्वर से तो आप तो एक थोड़ी सी बातचीत होती है जो कि तीन कॉन्वर्सेशन की बातचीत होती है। तो क्या होता है कि आप पहला कॉन्वर्सेशन किए एज ए क्लाइंट, सर्वर थोड़ी देर आपका इंतजार करेगा, दोबारा आप कॉन्वर्सेशन किए ही नहीं। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए सर्वर आपका इंतजार करेगा तो थोड़ी देर के लिए वो आपके लिए वेट करेगा और आपका एक छोटा सा कैश आपके लिए मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। अब ऐसे ही समझो कि 10 मिलियन लोग, करोड़, 10 करोड़ लोग एक साथ सर्वर को हेलो बोल के आगे कुछ बोले ही ना, तो सर्वर क्या करेगा उन 10 मिलियन लोगों के लिए वेट करेगा कि भाई आगे भी कुछ बोलो, क्योंकि हैंडशेकिंग तो थ्री वे है, एक ही कन्वर्सेशन हुआ, दोबारा तो कुछ आप बोले नहीं, तो वो बस वेट करते रह जाएगा आपके लिए और वो हैंग कर जाएगा। ऐसे ही बार बार हर एक मिनट में 10 मिलियन लोग हेलो कह के छोड़ दे रहे हैं, अगले मिनट में फिर 10 मिलियन लोग हेलो कह के छोड़ दे रहे हैं, तो बार बार ऐसा चल रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये अटैक क्या है ना कि कुछ टीम्स मिल करके करते हैं, और इस अटैक का भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लेकिन अभी इसको यहीं तक रखते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका कि डिनायल ऑफ सर्विस होता क्या है। फिर SQL इंजेक्शन भी जो होता है ना, उसमें भी अगर आप देखोगे YouTube पर एक कंप्लीट कोर्स है SQL इंजेक्शन का, शेयर कर दूंगा। और इस फिर वेब एप्लीकेशन में जो क्रिप्टोग्राफी होता है ना, क्रिप्टोग्राफी के बारे में प्रणव सर आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे, और दया सर, ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट रहे क्रिप्टोग्राफी के। लेकिन एक मैं आपको काफ़ी सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। आप कहते हो ना कि हैकर कौन है, हैकर कौन है, मैं कहता हूँ ना कि जिसने दो, मान लो कि बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर इतने बड़े बड़े हैं जो 150 डिजिट्स के हैं, दो प्राइम नंबर्स, 150 डिजिट का एक प्राइम नंबर, 150 डिजिट का दूसरा प्राइम नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। उस रिजल्ट को देख करके ये बताना कि ये किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना था, इसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं नॉर्मल एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। और यही आज के इंटरनेट के सिक्योरिटी का बेसिक है। RSA नाम का एक एल्गोरिथम है जो कि इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, और RSA काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ भी RSA यूज होता है तो समझो कि उसका बेसिस यही है कि दो इस बड़े नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से आया था उसको देख के कोई नहीं बता सकता कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये बना है। तो यही जो तरीका है, मतलब अब देखो यही जो तरीका है, यही जो एक उसका प्रॉपर्टी है कि देख के कोई नहीं बता सकता, एक फिक्स टाइम पर 5 मिनट के भीतर कोई नहीं बता सकता, 2 मिनट के भीतर कोई नहीं बता सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सैकड़ों साल लग जाएंगे इसको बताने में, ठीक है।
अब बात ऐसा है कि जिस पर्सन ने 5 मिनट वाला तरीका खोज लिया कि 5 मिनट में कैसे मैं बता पाऊं कि वो बड़ा नंबर किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है, सोचो वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर होगा। उसे पता भी नहीं होगा कि वो कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कर रहा है, वो तो मैथमेटिक्स रिलेटेड कर रहा है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर होगा क्योंकि वो जो बेसिक है ना आज की दुनिया के सिक्योरिटी का, वही उसने तोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्रिप्टोग्राफी आरएसए काम कैसे करता है, ये दया सर आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे। तो ये सारा हो गया वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का। आपको एक्चुअली मुझे दिखाना था कि यहाँ पर जो स्कोप आपने कहा है कि ये सब सीख करके स्कोप क्या है, जॉब किस किस तरह के मिलते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप एक्चुअली मुझे आपको दिखाना था लेकिन मैं अपना स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो जब भी आप गूगल पर जाके नॉर्मली भी टाइप करोगे ना कि साइबर सिक्योरिटी जॉब्स या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब्स इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन इंडिया, या फिर इस तरह के कोई भी रिलेटेड कीवर्ड का इस्तेमाल करके जॉब्स इन इंडिया, तो सैकड़ों में रिजल्ट आएंगे। और हर एक कंपनी पर मैंने जा करके देखा कि सबको आजकल के डेट में सिक्योरिटी एनालिस्ट का ज़रूरत है और सब किसी न किसी टॉपिक पर सिक्योरिटी एनालिस्ट को मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर आप नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर एक्सपर्ट हो तो बहुत सारी कंपनियाँ मिलेंगी जो कि नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर्स को खोज रही हैं, हर कंपनी को ज़रूरत है। फिर कोई अगर वेब एप्लीकेशन बनाता है वो उस तरह का खोजेगा, कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो अपने सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज को खोजेगा, बफर ओवरफ्लो वगैरह की समझ आपको है कि नहीं है इस चीज़ को खोजेगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां मैंने देखा और जो पैकेज थे वो 3 लाख टू लेकर के 1 करोड़ तक का दिखाई दे रहा था मुझे, जो पैकेज अलग अलग कंपनियों का। गूगल का भी अभी निकला था एक महीने पहले, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, और सबके जॉब पर दिया होता है कि आपको किस तरह का काम करना है। सब कुछ करने को किसी को नहीं कहा जाता है, लेकिन जो बेसिक्स होगा ना आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स एक काम, जैसे कि आप नॉर्मल भी आप जब बीटेक एमटेक करते हो फिर पीएचडी करते हो, तो बीटेक में आप करते क्या हो, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, फिर आप एमटेक करते हो थोड़ा सा डेप्थ में जाते हो किसी पार्टिकुलर चीज़ के, या पीएचडी करते हो तो किसी टॉपिक के डेप्थ में जाते हो। तो आपको यहाँ पर भी यही करना होगा। तो मैं एक बार बताऊंगा कि कहाँ से शुरू करो, तो मैं कहूँगा कि सी प्रोग्रामिंग से शुरू करो। सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्चुअली समझो, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग और आपका आपका ये जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसको डेप्थ में समझो, प्रोग्रामेटिकली समझो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करना सीखो अच्छे तरह से। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे कि सब्जेक्ट है, एक एग्जांपल मैं ले लूँ, शेयर्ड मेमोरी क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी सबने पढ़ा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करके उसको देखो कि इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो हर कोई ये शेयर्ड मेमोरी है लिनक्स में, विंडोज में ऐसे वर्क करता है, ये चीज़ें मतलब कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली, हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखो। कोई भी चीज़ किताब में लिखा हुआ तो थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं लिखा हुआ है, उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी लिखा हुआ है। तो उसको पूरी तरह से प्रैक्टिकली सीखो हर चीज़ को। नेटवर्किंग को अच्छी तरह से देखो, सिस्को वगैरह अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हो नेटवर्किंग को अच्छी तरह से देखो, सॉकेट प्रोग्रामिंग से लेकर के सिस्को के ट्रेनिंग से लेकर के नेटवर्किंग के मैथमेटिक्स तक, जो भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वगैरह आगे जाओगे ना तो रिसर्च में जब जाओगे नेटवर्किंग के, तो वो सब कुछ बहुत सारा मैथमेटिक्स वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो वो सब कुछ एक साथ अगर नेटवर्क पेन टेस्टिंग में जाना है तो उसको देख लो। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग देखना है तो जावा स्क्रिप्ट वगैरह को ध्यान से देखना होगा। और उसके बाद कई सारे कोर्सेज हैं, मैं कहूँगा कि कोर्सेज जरूर ज्वाइन करो, लेकिन तभी ज्वाइन करो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आप देखो जो ज्वाइन तो कर लोगे लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कोर्सेज तभी ज्वाइन करो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए। और एक कोर्स मैं कहूँगा, एक कोर्स काफ़ी अच्छा है, एक बंदा इंडियन है, आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक है, और उसका नाम है विवेक रामाचंद्रन। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप पेन टेस्टर्स अकेडमी में जाइए, विवेक रामाचंद्रन वाला, और वो काफ़ी सस्ता है पेन टेस्टर्स अकेडमी का कोर्स। तो सबसे पहले आप अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उस टॉपिक पर एक्सपर्टाइज कीजिए, एक्सपर्टाइज करने के बाद पेन टेस्टर्स अकेडमी पर जाइए, और पेन टेस्टर्स अकेडमी पर जा करके आप अपने अपने से रिलेटेड आपका कौन सा कोर्स है, जो भी आपने एक्सपर्टाइज अपना सेलेक्ट किया है, वो कोर्स चूज कीजिए और उस कोर्स को कर लीजिए। वो उस कोर्स का फ़ायदा ये है कि वो बहुत लैब वगैरह भी, जैसे ऑनलाइन लैब वगैरह भी VPN के थ्रू
लैब वगैरह भी प्रोवाइड करता है, आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी मज़े से आप पूरे पूरे जो वहाँ का उसका कोर्स है काफ़ी अच्छे से आप सीख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं है उसका, जैसे $40 पर मंथ होता है, या फिर अगर आप ईयरली लेंगे तो वो करीब करीब $300 पड़ता है ईयरली। तो इतने कम में आपको इसी काउंसिल नहीं सिखाएगा, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उसके कोर्स पर जाने से पहले आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करके उसके बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लो, नहीं तो जाओगे फिर आप शुरू कर दोगे और फिर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और चूंकि ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद में एज ए वीडियो ही वो कोर्स भी मैं आपको इस वीडियो इंक्लूड कर दूंगा, उसका लिंक भी मैं आपको प्रणव को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही बात था, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो फिर पूछिए। हेलो, हाँ हाँ बताइए निहाल सिंह जी, हाँ हाँ बताइए। सॉरी, दूसरे नेटवर्क में के बाद आपका आवाज कट गया था। अच्छा, आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि दूसरे नेटवर्क में कोई कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना? हाँ, उसको पेलोड सेंड करना है, समझ रहे हैं बात। देखिए, हाँ देखिए, बात ऐसा है ना, एक सेकंड किशन कुमार, हाँ देखिए बात ऐसा है ना कि जब आप सामने हर एक नेटवर्क के सामने, मेरा आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है यार, बहुत तेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। देखिए, जब आप किसी नेटवर्क के भीतर इंटर करने की कोशिश करते हैं, तब उस समय ये क्या हो रहा है? निहाल सिंह जी, जरा आप अपना जो माइक है उसको बंद कीजिए, तो शायद उसके बाद रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ देखिए, हाँ जब भी आप किसी नेटवर्क में इंटर करने की कोशिश करते हैं तो सामने एक होता है फायरवॉल, ठीक है। अब बात ऐसा होता है कि वो फायरवॉल किस तरह के कनेक्शन को अंदर जाने देगा और किस तरह के कनेक्शन को अंदर जाने नहीं देगा। फायरवॉल, अगर आप सुने होंगे कि फायरवॉल है क्या, फायरवॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट है, ठीक है, कि मुझे किस तरह के कनेक्शन को अंदर जाने देना है और किस तरह के कनेक्शन को अंदर जाने नहीं देना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं सोचूं कि मैं अपने कंप्यूटर में एक सर्वर होस्ट कर दूं जो कि पूरी दुनिया से विजिबल हो। अभी तो आप, मैं लोगों को बुला रहा हूँ, मैं अपने अपने कंप्यूटर में सर्वर होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिस कंप्यूटर का भी आप हैक करना चाह रहे हैं, समझो कि आप उसे हैक नहीं कर रहे हैं, समझो कि उसके पास सर्वर है, आप उसके सर्वर को यूज करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस फायरवॉल के पीछे आपका वो कंप्यूटर है, क्या फायरवॉल HTTP रिक्वेस्ट को आगे जाने देता है अपने नेटवर्क के भीतर? सवाल ये है, अगर वो फायरवॉल HTTP रिक्वेस्ट को अपने नेटवर्क के भीतर नहीं जाने देता, तो ऑफ कोर्स आप HTTP रिक्वेस्ट उसको भेज नहीं सकते, ठीक है। फायरवॉल को ऐसा कॉन्फ़िगर करना चाहिए कि जब भी HTTP रिक्वेस्ट आए तो उसको अंदर मौजूद किस कंप्यूटर तक भेजना है, ठीक है। आप शायद जानते होंगे प्राइवेट IP, पब्लिक IP, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं वो सारा बात करने लगूँ तो बात लंबा खींच जाएगा, लेकिन मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि दिए हुए नेटवर्क में फायरवॉल ये डिसाइड करता है कि कौन सा पैकेट अंदर जाएगा, कौन सा पैकेट अंदर नहीं जाएगा। तो अब मान लो कि आप उसको पेलोड भेज रहे हो किसी कंप्यूटर के, फायरवॉल के पीछे कोई कंप्यूटर, आप उसको पेलोड भेज रहे हो, तो सबसे पहले तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी इसके सामने, आपके पेलोड भेजने के सामने। पहली बात ये आएगी कि फायरवॉल, जब जो भी पेलोड आप भेजोगे वो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके भेज रहे हो, क्या वो प्रोटोकॉल फायरवॉल अलाउ करता है कि, और फिर अगर आप उसने उसको फायरवॉल तक पहुंचा भी दिए तो फायरवॉल को क्या पता कि यहाँ तक तो आ गया, अब इसको किसको भेजना है, उसको पता ही नहीं है, समझ रहे हो बात ना।
फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल के थ्रू ही राउट होता है वो सारी चीजें, फायरवॉल तक तो पहुंच जाएगा लेकिन अंदर में किस सिस्टम को उसे पहुंचाना है, ठीक है। मान लो कि किसी तरह से आप मैनेज करते हो उस सिस्टम तक वो पेलोड पहुंचा देते हो, तो पुराने एक्सपी में क्या होता था ना कि पुराने एक्सपी में पेलोड बहुत जल्दी, इस तरह का मीटर पेटर सेशन एक होता है अगर आप थोड़ा बहुत जानते होगे तो मीटर पेटर सेशन बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता था और काफी आराम से एक्सेस मिल जाता था। अगर कैसे किसी भी तरह से आप फायर उसके एक्सपी के अपने फायरवॉल को ऑफ कर दो और मीटर पेटर सेशन एग्जीक्यूट करवा लो। लेकिन आजकल के जो विंडोज 10 जो आया है ना, उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि कहीं भी आप प्रैक्टिस भी करने जाओगे, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, कहीं भी जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे लो या कोई भी कोर्सेज ज्वाइन कर लो, तो उसमें जो जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वो आपको सिखाएंगे वो कुछ इस बेसिस पर सिखाएंगे कि उसको पहले वल्नरेबल लोग बनाएंगे और वल्नरेबल बना के सिखाएंगे कि देखो वल्नरेबल बना दिए हैं, अब सीखो इस पर कि किस तरह से वल्नरेबिलिटी काम कर रहा है। जब वल्नरेबल चीज़ों पर आप वल्नरेबिलिटी सीख लोगे तब एक्चुअली आपको रिसर्च करना होगा अभी अभी तक जो भी अनवल्नरेबल है उस पर कैसे काम करें, ठीक है। तो नए जमाने का जो एक कहता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, वो इस तरह का मीटर पेटर सेशन काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, उसमें पेलोड वगैरह सब कुछ होते हैं। तो नया नया मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में आपको देखना होगा कि विंडोज 10 के लिए कौन सा है क्या है। लेकिन सबसे पहले चूंकि आप बात कर रहे थे किसी नेटवर्क में इंटर करने की, तो उस नेटवर्क में इंटर करना अपने आप में फायरवॉल पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले आप उसके फायरवॉल को एक्सेस करना होगा। अगर फायरवॉल को ही सबसे पहले आपको हैक करना होगा और फायरवॉल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना होगा। जब फायरवॉल आपके कंट्रोल में आ जाएगा तब आप उसका फायरवॉल टेबल देखोगे, हर फायरवॉल में अपना एक टेबल होता है, फिर आप उसके टेबल को देखोगे, उसके टेबल के भीतर देख करके आपको पता चलेगा कि ये कंप्यूटर इधर, ये कंप्यूटर इधर, ये कंप्यूटर उधर, ठीक है। फिर आप वहां पर अपनी तरह से सेटिंग करोगे, उसके बाद आप उस कंप्यूटर में पहुंचोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे पहुंच जाओगे, फायरवॉल पर डिपेंड करता है। अभी अभी जब मैंने आपके कॉलेज के नेटवर्क को एक्सेस किया तो उस नेटवर्क में मुझे फायरवॉल के बारे में तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन क्योंकि फायरवॉल ICMP पैकेट को आगे जाना अलाउ नहीं कर रहा था। सुनो, टनलिंग मतलब होता क्या है, जैसे कि टनलिंग मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। टनलिंग मतलब ये होता है कि आपका जो फायरवॉल है ना, वो HTTP को अलाउ कर रहा है। मान लो आपको उसमें भेजना है ICMP, HTTP के भीतर आप किसी तरह से ICMP को घुसाए और किसी तरह से उसको बेवकूफ बना दिए कि ये जो है सो ICMP पैकेट नहीं है। अलग अलग टाइप का टनलिंग होता है, लेकिन टनलिंग का एक छोटा सा काम है कि टनल बना देना नॉर्मल सा। तो किस तरह का आप टनल बना पा रहे हो अपने और उसके बीच में, आपको फायरवॉल को किसी न किसी तरह से बेवकूफ बनाना पड़ेगा। या तो टनलिंग के थ्रू बनाओ ना, या तो आप किसी दूसरे तरीके से बनाओ, किसी ना किसी तरह से आपको फायरवॉल को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या टनलिंग को रोकने का तरीका नहीं है फायरवॉल में, ये चीज भी देखना पड़ेगा, मतलब आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक रूल नहीं है जो मैं बैठ के आपको बता दूंगा हाँ ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। आपको जा करके फायरवॉल को स्टडी करना पड़ेगा कि वो किस किस तरीके का अटैक को वो बर्दाश्त कर सकता है, किस किस तरीके का अटैक वो प्रोवाइड कर रहा है। और आज के एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर कोई भी समझदार आदमी उस फायरवॉल को डिजाइन किया होगा तो आज के डेट में जितनी तरह का भी सिक्योरिटी जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं वो सब कुछ को ध्यान देके वो डिजाइन किया होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि आज एक नया वल्नरेबिलिटी आता है और मैंने फायरवॉल डिजाइन किया है, वो वल्नरेबिलिटी मुझे पता चल जाता है, ठीक है। वो वल्नरेबिलिटी आपके तक पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा उससे पहले वो वल्नरेबिलिटी मैं अपने फायरवॉल से हटा दूं, ठीक है। वो वल्नरेबिलिटी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में आए, उस तरह का पेलोड मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में आए, उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं उस फायरवॉल से उस वल्नरेबिलिटी को ही हटा दूं। समझ में आ रहा है ना? तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के इस्तेमाल से आप सीधे सीधे किसी चीज को हैक कर दोगे, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि चूंकि वो चीज़ समझो, वो चीज़ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में है, तो क्या बनाने वाले इस चीज़ को जानते नहीं होंगे कि हाँ भाई इससे बच के रहना है? हाँ, अगर कोई नहीं जान रहा है कि इससे बच के कैसे रहना है और उसने गलत तरीके से बना दिया है तो हो सकता है कि उसमें वल्नरेबिलिटी मिल जाए। मैं तो यही बोला कि हैकिंग मतलब वल्नरेबिलिटी खोजना, हो सकता है कि मिल जाए, किसी ने बनाया हो, ध्यान ना दिया हो, मिल गया। लेकिन हाँ, एक प्रो हैकर का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी एकदम नया वल्नरेबिलिटी को खोजना, एकदम न्यू वल्नरेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि
ऑलरेडी खोजा हुआ वो वल्नरेबिलिटी है, हम बस टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। तो आपको नॉर्मली जो जॉब में आप जाते हो ना, जॉब में आप इसीलिए जाते हो, जो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अगर किसी जॉब में जाओगे तो जॉब में आपका यही काम होगा, ये चेक करते रहना कि जो एप्लीकेशन बना है उसमें क्या कोई वेल नोन सिक्योरिटी फ्लॉ है। अननोन सिक्योरिटी फ्लॉ तो रहने दो, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन जो भी एप्लीकेशन बना है क्या उसमें कोई वेल नोन सिक्योरिटी फ्लॉ है? क्या आप अगर आप कहीं पर नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको देखते रहना होगा कि क्या जो भी नेटवर्क आप बनाए हो उसमें कोई वेल नोन सिक्योरिटी फ्लॉ तो नहीं रह गया है, अगर रह गया है तो उसको ठीक करें। तो एक यही काम होता है आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जॉब का। तो समझ में आ गया आपको जो मैं बोल रहा हूँ? मैं काफी जनरलाइज में मैं बोल रहा हूँ, मैं कह दूं कि हाँ ये कर लो, तुम हैक कर लोगे, तो ऐसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। हैकिंग मैंने कहा ना कि हैकिंग कुछ है नहीं, हैकिंग बस एक नॉर्मल टर्म रख दिया गया है कि अगर आप किसी भी चीज को हाँ साइबर सिक्योरिटी, साइबर मतलब कि साइबर इंटरनेट वगैरह, और उसके सिक्योरिटी की अगर आप बात करें, जैसे अगर आप नेटवर्क ले लेयर की सिक्योरिटी की बात करें, या फिर आप वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करें, तो उसको साइबर सिक्योरिटी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, हैकिंग का मतलब हो गया जस्ट अनयूजुअल वे ऑफ यूजिंग अ थिंग, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका कहे कुछ भी, मतलब कि आपके घर का कोई भी सामान हो सकता है वो, अगर जिसे आप अनयूजुअल तरीके से यूज कर रहे हो तो वो हैकिंग है। और साइबर सिक्योरिटी साइबर की बात होगी। ठीक है, देखिए साइबर सिक्योरिटी से खुद को सेफ रखने का, हम मैंने बोला ना जो क्रिप्टोग्राफी नाम का बंदा है वो मैथमेटिक्स आपको सेफ करता है साइबर सिक्योरिटी से आज के डेट में। और जो मैं एक एग्जांपल बताया ना आरएसए एल्गोरिथम का, वो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा बहुत जगह पर बहुत सारे मैथमेटिक्स सेट थ्योरी वगैरह के इसका इस्तेमाल होता है। और आगे आप जाके पढ़ोगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपको सेव करता है। अब ऐसा बोल देना तो आपके आपके सवाल का जवाब नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आपको करना ये है, आप थोड़ा अपना माइक बंद कीजिए करंजी, क्या है ना कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर पूछना होगा तो माइक ऑन कर लेना। तो करना ये है आपको, जैसे कि मैंने कहा कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ भाई मैं ही हूँ SBI, मेरे वेबसाइट पर आ जाओ, और SBI की तरह दिख भी रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप सो कॉल्ड मेरे SBI पर आओगे, वैसे ही आपका जो वेब ब्राउजर है आपको रोकेगा, कहेगा कि भाई मेरे ये जो बंदा मुझे सर्टिफिकेट करते हैं, हर एक वेबसाइट जैसे जब आप कनेक्ट होते हैं ना, वेबसाइट आपको सर्टिफिकेट अपना देता है, जब भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं तो वेबसाइट आपको अपना सर्टिफिकेट देता है। तो जब आप SBI से कनेक्ट होते हैं तो SBI आपको अपना सर्टिफिकेट देता है, और उस सर्टिफिकेट को कंफर्म करता है आपका ब्राउजर। ठीक है, अगर आप किसी गलत SBI से कनेक्ट होंगे तो आपका ब्राउजर आपको वार्न कर देगा कि भाई इस वेबसाइट से जो तुम कनेक्ट हो रहे हो ना, उसको मैं नहीं पहचानता, तो फिर रहने दो, मतलब इस पर आप मत जाओ। और नॉर्मल भी किसी ऐसे वेबसाइट से आप कनेक्ट करोगे जो कि HTTPS का तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसने कोई वेल नोन सर्टिफिकेट खरीदा नहीं है। अब जाके देख लो, देखो अगर आप कहीं भी किसी गलत वेबसाइट पर जाओगे, अभी मैं वही बता रहा था आपको, कोई भी वेबसाइट अगर HTTPS का इस्तेमाल कर रहा है ना, और सबसे पहले तो SBI आपको पता है ना कि HTTPS का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी SBI पर मत जाओ जो कि HTTPS का इस्तेमाल ना कर रहा हो, ऐसे किसी भी वेबसाइट पर मत जाओ, पहला लेसन। ठीक है, दूसरा लेसन कि अगर वो वेबसाइट HTTPS का इस्तेमाल कर रहा है और उसका सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर के समझ में नहीं आया, तो जो HTTPS लिखा होगा ना वो रेड कलर का हो जाएगा, उससे पहले एक वार्निंग का बड़ा सा विंडो आता है। किसी भी ऐसे वेबसाइट को यूज करके देख लेना जो कि HTTPS का इस्तेमाल करे और उसका सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर में ना हो, तो ब्राउजर जो आपको दिखाएगा ना एक बड़ा सा विंडो दिखाएगा और कहेगा कि भाई इससे आगे बढ़ना है तो अपने रिस्क पर बढ़ो,
मैं इस वेबसाइट को नहीं पहचानता। फिर आप एडवांस में जाते हो और फिर अगर आपको जाना होता है तो आप एडवांस में जाते हो और फिर प्रोसीड टू वेबसाइट कर देते हो, अगर आपको नहीं जाना होता है तो आप कैंसिल कर देते हो। तो एक एक ये तरीका हुआ। दूसरा, कोई आपको आपका कोई कुकी मत स्टील कर ले। इसीलिए जिस लिंक, अगर कोई भी लिंक आपको आ रहा है ना, वो लिंक आप नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि कुकी स्टील करने वाले अपना जो स्किल है बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टेक्निक को मैं नहीं जानता कुकी स्टील करने का, वो टेक्निक कोई नहीं जानता होगा। ठीक है, तो अगर आप, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई लिंक आ रहा है कि इस पर क्लिक कर दो और क्लिक करके मेरे वेबसाइट पर पहुंचो और वहां पर ये मिलेगा, तो हो सकता है कि उसके वेबसाइट पर कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट रन कर रहा हो जो कि आपका कुकी स्टील कर ले। और कुकी स्टील से होता क्या है ना कि बिना यूजर नेम पासवर्ड के वो आपके वो लॉग इन कर पाएगा। ठीक है, मतलब बिना यूजर नेम पासवर्ड के ही वो आपके अकाउंट पर पहुंच जाएगा। वो कुकी स्टील करने से यही होता है। तो किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक मत करो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बचने के लिए करना होगा। तो आप बस बच के रहो कि कोई भी आपके कंप्यूटर का अननोन यूज ना कर पाए, ये बच के रहना ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अब मान लो कि कोई भी वेबसाइट है तो अपने को सिक्योर करता है ना, खुद को अभी तो आपको सिक्योर करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पुलिस तो है लेकिन मैं छत पर से कूदूंगा, पुलिस आपको थोड़ी ना बचाएगा। तो आप खुद से ही बच के रहो उस समय, और किसी के हाथ में अपना गर्दन मत दो। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, एक वेबसाइट होता है जिसे कहते हैं हुईज। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप किसी आईपी के बारे में उसका पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट ही नहीं होता, एक्चुअली ये एक लिनक्स का प्रोग्राम है और वेबसाइट पर ही इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो बहुत सारे हैं जो कि हुईज को प्रोवाइड करते हैं। हुईज का काम यह है कि यहाँ पर किसी पब्लिक आईपी एड्रेस को जब आप एंटर करेंगे तो उस पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पर प्रणव सर ने मुझसे एक आईपी शेयर किया है, आपके कॉलेज का आईपी है 122.252.250.94। तो आइए सबसे पहले इस आईपी का एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये आईपी किसका है, किसके नाम पर खरीदा गया है वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पर जो आईपी जो है उसका, तो यहाँ पर इस पूरे आईपी का इन्फॉर्मेशन है और ये शायद उतने अच्छे तरीके से बतला नहीं रहा है ये वाला वेबसाइट। दूसरे वेबसाइट पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये शायद अच्छे से बतला है। आई एम नॉट अ रोबोट, गो। ये ज्यादा अच्छी तरीके से बतला रहा है। ये आईपी एड्रेस एनआईटी पटना का है और कैसे इसे लिया गया है, सारा इंफॉर्मेशन, एएसएन कौन है वगैरह वगैरह वगैरह। और आप देखिए जो ये आईपी एड्रेस जो यहाँ पर आपने दिया है, वो एक्चुअली इस आईपी एड्रेस में चार आईपी एड्रेस आते हैं, 122.252.250.92 से लेकर के 95 तक। तो यहाँ पर आपके पास ये चार आईपी एड्रेसेज हैं। और आप जानते हैं कि जब भी आप कोई ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस लेते हैं तो उसमें जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस जिससे कि पूरा नेटवर्क डिफाइंड हो, एक एग्रीगेटेड आईपी एड्रेस, वो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पर सिर्फ मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में, कॉलेज के नेटवर्क में कौन कौन से आईपी मौजूद हैं और वो आईपी किस किस तरह के मशीन्स को मिले हुए हैं और उन मशीन्स पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आइए इसकी जरा मैपिंग कीजिए। ये 92 और सबनेट मास्क है 30। सबनेट मास्क 30 मुझे कहां से पता चला, ये प्रणव सर आगे बताएंगे, लेकिन ये सबनेट मास्क भी पता होना चाहिए। तो नेटवर्क आईपी एड्रेस और ये सबनेट मास्क, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये एक मैं प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखाने के लिए ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहां से मैं स्कैन करता हूं, मैं कनाडा में हूं और सासाराम का आईपी एड्रेस मैं स्कैन कर रहा हूं। स्कैनिंग स्टार्ट है और देखिए कौन कौन सा सिस्टम यहाँ पर दिखाई देता है, पिंग स्कैन हो रहा है। ये सब चीज़ों को आपको डिटेल में जानना होगा तभी जाकर के ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। बोलता है कि 92, 94 एंड 95 आर डाउन, सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ना। 92 तो किसी को मिलता है नहीं, 95 भी किसी को मिलेगा नहीं।
क्योंकि जो आईपी का जो रेंज था वो रेंज ही था 92 से 95, तो ये दो तो मिलेंगे नहीं, 93 और 94 ही किसी को मिल सकते हैं, इनके बीच वाला। तो 94 डाउन है, ठीक है, मतलब जो मशीन का आईपी एड्रेस प्रणव भाई ने मुझसे शेयर किया था वो खुद का वो मशीन डाउन है, अभी चल नहीं रहा वहां पर। और 93 का देखिए, 93 का मेरे पास डेटा आ चुका है, 93 पर FTP, 93 सबसे पहले है क्या, ये देखो 93 जूनिपर का, ये है जूनिपर का फायरवॉल है, 94% चांस है कि वो जूनिपर का फायरवॉल हो, ठीक है, 94% चांस है कि वो जूनिपर जूनोस 13.3R8 हो, 92% चांस है कि ये वाला हो, 90% चांस है कि ये वाला हो। ये सब कुछ कैसे पता चल रहा है, एग्रेसिव ओएस गेसेज से पता चल रहा है, जो ओएस का फिंगरप्रिंट गेसिंग होता है ना उससे पता चल रहा है सब कुछ। तो बोल रहे कि इतने इतने चांसेस, इतने परसेंट चांसेस है कि ये हो, इतने परसेंट चांसेस है कि ये हो, फिंगरप्रिंट मिला है इसे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उस फिंगरप्रिंट से पता चल रहा है कि कितना, मतलब कि चांस है कि कितना चांस है इसे जूनिपर का जूनोज 13.3R8 होने का, वगैरह वगैरह। अब देखिए एग्जैक्टली इसने किसी ओएस को मैच नहीं किया है, इतने सारे ओएस को लगता है कि है उसमें कुछ चल रहा है। फिर 36 दिनों से भी ज्यादा हो गए, इतने दिनों से ये जो आपके आपका जो फायरवॉल है वो ऑन है। अब 4 अप्रैल से एक्चुअली ये फायरवॉल ऑन है, 4 अप्रैल को शायद ऑफ किया गया था, 4 अप्रैल के बाद अभी तक ऑन चल रहा है। यहाँ पर कनाडा में जहां पर मैं बैठा हूं, वहां से लेकर के सासाराम में जो आपका फायरवॉल है वहां तक पहुंचने के लिए 17 राउटर्स बीच में आते हैं, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखिए पता चल रही हैं। इसके अलावा आपके फायरवॉल में कौन कौन से सर्विसेज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, FTP एग्जीक्यूट हो रहा है, SSH एग्जीक्यूट हो रहा है, टेलनेट एग्जीक्यूट हो रहा है, SMTP एग्जीक्यूट हो रहा है, आइडेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये सारे फिल्टर्ड हैं। फिल्टर का मतलब कि FTP यूज करने के लिए कौन FTP यूज कर सकता है, FTP का क्लाइंट कौन होगा, ये बात पहले से तय किया जा सका है। मैं यहाँ के FTP को इस्तेमाल नहीं कर सकता कनाडा में बैठ करके, ये फिल्टर्ड है। लेकिन BGP जो कि ओपन कनेक्शन है, TCP रैपर जो कि ओपन कनेक्शन है, मैं इन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल यहाँ भी बैठ के कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर कोई HTTP होता और वो ओपन होता तो मैं समझ जाता कि वहाँ पर HTTP ओपन है, और यहाँ पर बैठ करके मैं उस HTTP को ओपन कर सकता था। तो ये हो गया दूसरे नेटवर्क को स्कैन करने की बात, ये दूसरे नेटवर्क को ही मैंने स्कैन किया है। आइए अब जिस नेटवर्क में मैं बैठा हूँ, लोकल नेटवर्क यहाँ पर कनाडा में, उसको जरा स्कैन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग और कौन कौन से डिवाइसेस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना IP एड्रेस देख लूँ क्या है, IP कॉन्फिग। तो मेरा जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.25, और ये है मेरा सबनेट मास्क, मतलब मेरा /24 यहाँ पर लिखना होगा। तो 192.168.0.25 लिखो यहाँ पर 192.168.0.25, और इसे लिखना होगा 24 के साथ, पहले भी मैं इसे स्कैन कर चुका हूँ। तो फिर अब इसे स्कैन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन पराक्रमी लोग बैठे हैं। इसे स्कैन होने देते हैं, तब तक मैं थोड़ी और बातें कर लूँ। देखिए मैं जिस कोर्स की बात कर रहा था कि कौन सी कोर्स आप करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसी पेंटेस्टर एकेडमी की बात कर रहा था। वेबसाइट की एड्रेस है pentesteracademy.com। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और कोर्सेज को करने के लिए कौन कौन से लैब्स हैं। तो यहाँ पर पाइथन फॉर पेंटेस्टर्स ये मैंने किया था, अटैक एंड डिफेंस एक्टिव डायरेक्टरी ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने किया है 1x86 एंड 1x86x64, ये दोनों मैं कर रखा हूँ। जावास्क्रिप्ट फॉर पेंटेस्टर्स ये भी मैं कर रखा हूँ, ओके। लिनक्स फोरेंसिक किया था, तो ये सारे कुछ पेन टेस्टिंग मैंने किया है, वाईफाई नहीं किया, मेटा एक्सप्लॉइट नहीं किया, ये फ्री में अवेलेबल है। और एक्सप्लॉइटिंग सिंपल बफर ओवरफ्लो ओवर विंडोज 32 ये कर रखा है, लेकिन अब काफी पुराना हो गया है। तो इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, और कोर्सेज ही नहीं है, अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई पेन टेस्टिंग आप कर सकते हो, एरोडम्प, एनजी स्कैन विजुअलाइजर, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके, विंडोज फॉरेंसिक कर सकते हो आप, डेटा साइंस का क्या इस्तेमाल है,
आपके नेटवर्क पेन टेस्टिंग में, वो भी देख सकते हो। मैं पांडास फॉर पेन टेस्टर्स, तो कई सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं, और उन सारे कोर्सेज को अगर आप चाहो तो एक के बाद एक करते रहो। लेकिन हाँ, इन कोर्सेज को करने से पहले अपना जो प्रिपरेशन है, जो बेसिक्स का प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन थोड़ा टाइट रखना, वो प्रिपरेशन सही ढंग से रखना। फिर प्राइसिंग क्या है इसका मैं बता दे रहा हूँ। देखो प्राइसिंग है, मंथली लोगे एक महीने के लिए लो $40 का मिलेगा, उसे लेकर आप देख सकते हो एक महीने का, एक महीने में। लेकिन ये 100 से ज़्यादा वीडियो देखने नहीं देते हैं। एनुअल ले लो, एनुअल में आपको $249 में आपको एनुअल मिल जाएगा, तो ये काफ़ी सही है, इसको लेना है ईयरली जो है सो। और इसमें पर डे मतलब कि पर मंथ ही 100 वीडियो से आपको कभी ज़्यादा देखने नहीं देंगे, लेकिन ठीक है 100 वीडियो बहुत होता है, इतना आप देखोगे नहीं। इसके अलावा आपको ये ऑनलाइन लैब्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे ऑनलाइन लैब्स हैं, ये सारे लैब्स को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अटैक डिफेंस के बहुत सारे लैब्स हैं यहाँ पर। फिर कुछ है रेड टीम लैब्स, ये कुछ स्पेशल लैब्स हैं जो कि आपको एनुअल या फिर किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन पर नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा इन लैब्स को। तो ये सारे लैब्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कोर्स, और एक बार PhD से मुझे छुटकारा मिले ना तो मैं तो सारा करने वाला हूँ। अभी मैंने 4-5 ही कर रखा है इसका, मैं सारा करने वाला हूँ इस पर। अब जरा पहुँचते हैं, देखते हैं कि हमारा स्कैनिंग पूरा हुआ है कि नहीं। तो जी हाँ, हमारा स्कैनिंग पूरा हो गया है। इतने सारे डिवाइसेज हमारे सामने हैं, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ HTTP पोर्ट चल रहा है। देखिए जैसे इसको देखते हैं थोड़ा, एक किसी को पकड़ के एनालाइज करते हैं। ये रहा आपका 192.168.0.1, इसमें SSH है, इसमें टेलनेट है, इसमें डोमेन ओपन SSH टेलनेट फिल्टर्ड है। फिर देखिए यहाँ पर HTTP ओपन है इसमें, ठीक है, HTTP को इसने ओपन कर रखा है। तो मतलब अगर 192.168.0.1 मैं अपने ब्राउजर में लिखूं तो मैं उसके HTTP को एक्सेस कर पाऊंगा, 192.168.0.1। शायद 13 पर भी कोई है, और वो आ गया 1 पर भी है, 13 पर भी कोई होगा जिसमें कि HTTP चल रहा होगा, 1 पर भी होगा। यहाँ पर आ गया आपका login.xml, देख रहे हो ना। तो वन के पास देखिए इतना कुछ इसके पास खुला हुआ है पोर्ट्स। ओपन पोर्ट्स देख करके आप फिर समझ जाते हो कि किस तरह के प्रोसेसेस चल रहे होंगे उन पोर्ट्स को ओपन रखने के लिए, और फिर आप उन ओपन पोर्ट्स पर अटैक करते हो। ओपन पोर्ट्स को एनालाइज करने का यही कारण है। फिर आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। लिनक्स कर्नल हो सकते हैं 97-98%, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्रेसिव OS गेसेस को देख करके। थोड़ा और नीचे आते हैं और किसी दूसरे डिवाइस को देखते हैं कि क्या क्या उसमें ओपन है। ये देखिए 11 का है, 192.168.11, ये एक प्रिंटर है, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है VxWorks। फिर इस तरह से देखिए हर एक सिस्टम का यहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पता चल रहा है। तो इस तरह से आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ है वगैरह वगैरह वगैरह। 17 है, 17 के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, Apple TV, Apple iOS। यहाँ पर एप्पल रखने वाले भी बहुत सारे हैं लोग हैं, तो ये शायद एप्पल का मोबाइल फोन है मुझे जहाँ तक लगता है। इसको कन्फ्यूजन है कि ये एप्पल का macOS है या फिर एप्पल का iOS है या फिर Apple TV है, Apple TV का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर एप्पल का या तो ये क्या बोलते हैं लैपटॉप होगा या फिर ये एप्पल का मोबाइल फ़ोन ही होगा। ये देखो ये रहा, ये तो iPhone है भाई, iPhone 6 है, ठीक है। फिर अगला है 20, ये एक लैपटॉप है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप कितने अच्छे तरीके से सबको एनालाइज कर पा रहे हैं कि किसके पास क्या है ना। तो ये सब कुछ रहा
मेरा एड्रेस शायद 25 था ना, एक बार 25 को ही देख लेते, अपने आप को देख लेते हैं कि मेरा क्या है वहाँ पर। 25 ये रहा 25 में देखिए कौन कौन सा मेरे पास पोर्ट ओपन है, तो ये सारे ओपन है। ओएस डिटेक्शन अच्छे से हो नहीं पाया, रेट्राइंग ओएस डिटेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, उसका जो फिंगरप्रिंट मिल रहा है उसको देख के अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए क्या किया गया है ना कि ओएस का सीधा सीधा फिंगरप्रिंट यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है। भाई अब तुम ही देखते रहो, हमको समझ में नहीं आ रहा ये बोला, लेकिन फिर भी आप इन सारे प्रोसेसेस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास विंडोज चल रहा है। अब विंडोज विस्टा है या विंडोज 10 है या विंडोज 8 है पता नहीं, लेकिन विंडोज तो चल रहा है, इतना तो पता चल गया ओएस है विंडोज का। तो इस तरह से आप नेटवर्क मैपिंग इसे कहते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग आप कर सकते हो और पता लगा सकते हो। फिर जहाँ जहाँ अभी आपको अटैक करने का मन हो वहाँ वहाँ वल्नरेबिलिटी खोजो। मेरे पास विंडोज है तो देखते हैं थोड़ा विंडोज पर ट्राई करके, किसी के पास एप्पल है जरा देखते हैं एप्पल पर ट्राई करके, इस तरह का आप वल्नरेबिलिटीज खोज सकते हो। इसके अलावे मैंने आपसे जो कहा था वो क्या था, एक मैंने कहा था एस्केपी के लिए कि आप एस्केपी डाउनलोड कर लो। तो एस्केपी एक्चुअली पाइथन का मॉड्यूल है और आपको ये एस्केपी डाउनलोड करना होगा और ये पाइथन के साथ आपको इस्तेमाल करना होगा। तो पाइथन 3.7 तक का सपोर्ट है इसके में, तो ये चीज़ है, ये एस्केपी हो गया। आप पाइथन अगर जानते हो तो पाइथन मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करते हैं आपको पता होगा। फिर मैंने बात किया था सिस्को पैकेट ट्रेसर का, सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड फ्री फॉर विंडोज 10। हम तो भाई फ्री में ही डाउनलोड करने वाले लोग हैं, तो आप कहीं से आप देख करके सही सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो downloads.digitaltrends.com सिस्को पैकेट ट्रेसर विंडोज। तो यहां डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए फॉर विंडोज 64 बिटजिप, ऐसे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। काफी मजेदार सॉफ्टवेयर है। अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो अपने सारे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पैकेट ट्रेसर पर अप्लाई करना चाहिए। यूट्यूब पर काफी सारे इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स के आप देख भी सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और फिर मैंने और भी कुछ बात किया था क्या जो मुझे अभी प्रैक्टिकली दिखा देना चाहिए? हाँ, जॉब्स का बात किया था, जॉब्स का। तो लिखते हैं साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन इंडिया, यही लिख के मैंने सर्च किया था और काफी सारे जॉब्स आ गए थे। ये देखो इतने सारे जॉब्स तो यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, 100 से ज्यादा जॉब्स हैं। और कुछ तो ये देखिए अलग अलग जॉब्स हैं, आप क्लिक करते जाओ उन जॉब्स के बारे में देखते जाओ, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट इंजीनियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या है। पेमेंट अगर देखना है तो ये पेमेंट भी बताते हैं, रीड मोर में जाओ तो देखिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है, नॉलेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, प्रोफिशिएंट इन राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ये ज़्यादातर क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। सर्टिफाइड इथिकल हैकर होना चाहिए, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इन सारे चीज़ों का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए जैसा ही कह रहे हैं। और देखिए इन सारे का सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों अभी पेंटेस्टर्स एकेडमी कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट के लिए कह रहा हूँ। शुरू शुरू ये इन सारों का थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, तो इनिशियली आप अगर आप पेंटेस्टर्स एकेडमी से शुरू करते हो ना तो काफ़ी सस्ते में सिखा देगा आपको वो। फिर आप इन्हें भी कर लेना, एक बार जब कंट्रोल हो जाए अच्छी तरह से तो इन्हें भी कर लेना। अभी क्या होगा कि अगर आप कोर्स इनका करोगे ज़्यादा पैसे फेंक दोगे और फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा और लगेगा कि पैसा चला गया। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ पहले बेसिक ठीक करो, फिर पेंटेस्टर्स एकेडमी एक साल के लिए ज्वाइन करो और उसके बाद इन सारे कोर्सेज को भी कर लेना। तो अगर आप देखोगे इनकी ये शायद ये नहीं बतला रहे हैं कि ये कितना पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट बतलाने वाले भी बहुत सारे हैं और ये देखते हैं यहाँ पर रीड मोर में जाने पर शायद ये पेमेंट बतलाए। ये देखिए 17 लाख से 22 लाख तक का पेमेंट है इनका। ठीक है, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं,
जॉब्स बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे जॉब्स हैं, आप करो तो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉक अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले तो सॉरी, मैंने लाइव आपको ये मैं नहीं दिखा पाया, लाइव मुझे दिखाना चाहिए था, हालांकि वीडियो में मैं ऐड कर दिया हूँ और वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर से कभी आपसे बात करने का मौका मिला तो ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।